Watch cinematics. हेलो, वेलकम बैक अंदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम फिर से स्टील एंड फ्लैश करने वाले हैं और हम एक बिल्ली पे हमला करने वाले हैं और यहाँ इसके अंदर फ्रांस के बंदे हैं और यहाँ के हम अपने पूरे लश्कर के साथ उसे तबाह बर्बाद करने के लिए किसी को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे उनकी फौज काफ़ी कम है हमारे सामने, तो जंग का लड़म बहुत बड़ा है, वो इन्हें ख़त्म करते हैं। एक का तो हमें मार देंगे, काफी पावरफुल है ये भी। एक हमने मार दिया है, वो देखो कुछ यहाँ पर है, ये छोटे छोटे ये मर के बिगाड़ लेंगे। चलो ये हमने सब मार दिए और यहाँ पर हम स्पाइन को मारे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और एक मैं ऐसी वीडियो भी बनाना चाहता हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि कोई मुझ पर हमला करे इस किले पे, ताकि जब मैं डिफेंस करूँगा तो कैसा होगा। तो मेन जगह पे जा रहे हैं जहाँ से ये आ रहे हैं, ये तो यहाँ से निकल के आ रहे हैं। हम इस तीर वाले को मारते हैं, वो देखो उस पहाड़ के ऊपर से आ रहे हैं, काफी दूर दूर से आ रहे हैं। उस तरफ भी मार्स पर जा रहे हैं, ये देखो ये सबसे ऊंची जगह है इसके भी लेगी शायद। हाँ ये देखो यहाँ ये विंड मिल लगा हुआ है, शायद यहीं से कहते हैं। चलो ये भी मर गया, ये भी खत्म, चार रह गए हैं, इनमें से दो यहाँ पड़े हैं, ख़त्म हो गए सारे। चलो इस किले पे हमने कब्जा कर लिया, अब हम इसका सेल्फ डिफेंस करेंगे, हमारी विक्ट्री हो गई। पांच पे हमारे शहीद हुए हैं, पांच जख्मी, उनके 94 मर गए, दो 120 जख्मी हो गए। मैं काफ़ी वक्त से यहाँ वेट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर तो वो नहीं है, लेकिन उन्होंने डोम पे हमला कर दिया है फ्रांस ने, अब इन्हें वहीं पर जाकर धोते हैं। ये देखो यहाँ पर इन्होंने हमला किया हुआ है और हम वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं। चलते हैं रोम के अंदर, यहाँ रोम के अंदर इन्होंने हमला किया है या फिर सिर्फ इन्होंने ओके लगाए हुए हैं कैंप से अपने। हमारे अपने आर्मी को यहाँ बाहर बुलाते हैं मीठेयर, और हम किले से नहीं लड़ सकते, शायद ये बहुत ज़्यादा होंगे, इतने ज़्यादा नहीं है, 405 है और हम 706 हैं। अकेले इन पर हमला करते हैं, हमारी आधी फौज मर जाएगी लेकिन कोई खैर है। चलो ये इस तरह के मैदान में हमला होगा और इस तरफ हमारी फौज है, तो दूर से कैमरा वही था, हाँ ये वाला, और उस तरफ उनकी फौज है। चलो हमला करो इन पर, टूट पड़ो। चलिए जा रहे हैं, ड्रोन को ड्रोन देंगे, ये तो आवाज कैसे आ रही है घोड़ों की, शायद हम जख्मी हो जाएं, हम काफी जगहों में जख्मी हो जाते हैं। ये देखो हमें यहाँ से दूर हो जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आप आग के गोले चलेंगे आपको यहाँ से। हम थोड़ा सा जंग से दूर चलते हैं और वहाँ बैठ के देखेंगे इसे। इस तरफ हमारी मशीनें हैं, ये देखो हमारे मशीन का पूरा लश्कर है,
कोई ऊंचा पहाड़ नहीं, नहीं तो मैं उसके ऊपर से जाकर देखता, वो दूर है लेकिन वहां से कुछ दिखेगा नहीं। इसे मारते हैं, शायद मर जाए। हम खुद को मार देते हैं और ऊपर से व्यू को देखेंगे। दो मिनट रुको, इनकी मशीनें कहाँ हैं? मुझे मारो, इनकी मशीनें तोड़ने दी हमने? नहीं, अभी जिंदा है। मैंने सोचा हमारे पर उन्हें तोड़ना दियो। चलो ये अब हम मारेंगे, हम भी इसके साथ में मारेंगे, फिर हम ऊपर से व्यू देखेंगे। हमारा घोड़ा तो क्या निर्णय लेंगे, और अब हमारी बढ़िया नहीं होगी। मारो ना, ये इन्हें मारने की कुछ भी नहीं है। हम हाँ, हमने अपना घोड़ा मुड़वाया है। इनके सिपाही कहाँ हैं? चलो फाइनली मैं मर गया हूँ, और अब ये देखो व्यू। इस व्यू को देखने के लिए मैं मर रहा हूँ, वैसे मैं मर नहीं सकता। हमारी इतनी बड़ी फौज है, वो मेरी हिफाजत करने के लिए बहुत ज़्यादा है। ये देखो लाशें लाशें हो गई हर तरफ। तो जंग चल रही है और उनके काफ़ी सारे स्पाई मारे गए हैं, सिर्फ 32 रह गए हैं। ये दो तीन यहाँ पर नीचे घूम रहे हैं, ये वर दो उनके हैं। हम किसी स्पाई को भी देख सकते हैं, ये देखो ये स्पाई लड़ रहा है यहाँ पर, इसे देख सकते हैं इसके ज़रिए, इसके ज़रिए, इसके ज़रिए। ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, ये यहाँ पर घूम रहा है, और हम फ्री भी घूम सकते हैं। ये लोग सारे मारे गए और ये विक्ट्री विक्ट्री कह रहे हैं, और हम इस बार कहने के लिए नहीं है। और रूम में तुम लोगों को अंदर से घुमाता हूँ, वॉक द स्ट्रीट्स। और ये है रूम, इसके झंडे वाइट क्यों हो गए? पहले तो इसके ऊपर और कुछ लगा हुआ था, इसका चेंज होता रहता है। इसने सेंटर कर दिया वाइट झंडे, शायद तभी लग रहते हैं वाइट झंडे जब सेंटर करते हैं। और ये देखो दूर दूर तक इस पर हमारे गए हुए हैं, ये यहाँ पर हम लोग घूमने वाले। अंदर चलते हैं इसके। वैसे तमाम किले एक ही जैसे हैं अंदर बाहर चार तरफ से। इसका मेन एंट्री है, और ये जगह अंदर से वैसे ही होती है। ये तो कोई यहाँ पे घूम रहा है, हम ऊपर तक चलते हैं वहाँ पर। चलो हम इसके काफ़ी ऊपर पहुँचे हैं, और ये देखो ये बड़े लोग घूम रहे हैं, और हम एक हद तक देख सकते हैं आगे भी घूम रहे होंगे। ये रोडें जहाँ तक पानी में हैं वहाँ तक ये घूमते रहते हैं, और ये इस तरफ की लेके रोड जाती है। और ये देखो ये इस तरफ का व्यू है, और यहाँ से अंदर भी दिखेगा। ये देखो अंदर कोई बंदा नहीं दिख रहा इस वक्त, क्योंकि हम काफ़ी हाइट पर हैं। और इस तरफ की लेके कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ नीचे जाने का एक रास्ता है। उस तरफ पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई है। और इस वीडियो को भी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।